अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज नुश्की में एक सेमिनार मुनक्किद हुई जिसका मकसद था जैतून की अहमियत और इफादियत को उजागर करना। इस तकरीब के मेहमान ख़ास जनाब डिप्टी कमिश्नर नुश्की जमील अहमद रहे थे। पंजूरतों का ट्रेंड मान चारता नमा बाजे मर्दवानी को मगाप जाता वती संगतानी को मगाप जाता ये ट्रेंड बाज धीमा रह गए वाले वे ते जाना गया ट्रेंड सक बाज धीमा रह गए और बाज काश तो गए पंजूरतों का ये चीज और वाशुकतों का हमें सावा तो मन हमें रिक्वेस्ट है करना कि शुमा हैदा वती पते शे फायदा बाज गे बाज ज्यादा ही शे फायदा। कबायली अमायदीन के साथ साथ जमींदारों की एक कसीर तादाद ने आज की इस तकरीब में शिरकत की। फार्मर्स ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। BARDC बलूचिस्तान के स्टाफ ने शुरका को ट्रेनिंग दी। यानी अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खा रहा है उसकी अहमियत को वो चीज़ जाहिर कर रही है, तो ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसीलिए अल्लाह ताला जैतून की कसम खा रहा है। महकमा ज़रात के डिप्टी डायरेक्टर जनाब खालिद महमूद बादिनी साहब इस तकरीब के मेज़बान थे। बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कहेंगे कि फिलहाल आपने बिल्कुल कुछ नहीं लगाना, तीन साल तक या 5 साल तक बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाना, इसके बाद आप चाहें तो लगा सकते हैं। फार्मर्स ने सवाल किए और साइंटिस्ट ने इनके जवाब भी दिए। आइंदा 3 सालों में नुश्की में तकरीबन 6 लाख जैतून के पौधे लगाए जाएंगे और ये पौधे BARDC क्वेटा फ्राम कर रही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से लगाई जाने वाली जैतून के पौधों की निगहदाश्त का काम नमक में ज़रात एक्सटेंशन डिपार्टमेंट नुश्की कर रही है। इस सेशन के अख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर नुश्की ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और फिर फील्ड में कटिंग, प्रूनिंग और दरख्तों की सफाई के काम का मुआयना भी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।